वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू के ऊपर टोटल तीन वीडियोस जो है वो हैं। अगर आप लिटरेचर रिव्यू को पूरा समझना चाहते हैं कि लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखा जाता है, उसका कंटेंट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेजरिज्म क्या होता है, तो उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप ये तीनों वीडियोस जो है उनको आप देखें, तभी जाकर आप पूरा जो लिटरेचर होगा उसको आप प्रॉपर समझ सकेंगे। तो ये तीन वीडियोस मैंने बनाई हैं, ये थर्ड वीडियो है जो कि लिटरेचर रिव्यू के ऊपर है। तो आपने इन तीनों वीडियो को जो है वो देखना है, तब आप लिटरेचर रिव्यू को बेसिकली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम जो है इस वीडियो के अंदर जिस चीज़ को हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो हमारे पास है कि हम स्ट्रक्चर जो है कैसे करेंगे, जो क्रिटिकल रिव्यू है उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसका तरीक़ेकार क्या होगा, उसको किस तरह जो है हम लेकर बढ़ेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फिर इसको आगे किस तरह बढ़ाएंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हम उसको स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, यानी पहली हेडिंग क्या होगी, दूसरी क्या होगी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, ये सारी चीज़ें हम जो है इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारे पास जो है ये जो लिटरेचर हम करते हैं, डेफिनेटली हमें उसके लिए बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे आर्टिकल और बहुत सारे रिनाउंड जर्नल से जो है हमें लिटरेचर लेना होता है, और फिर उस लिटरेचर को लेकर हम आर्टिकल लिखते हैं। अभी तक हमने जो लास्ट वीडियोस के अंदर चीज़ें डिस्कस की हैं उसके अंदर हमने ये पढ़ा है कि पर्पस क्या होता है लिटरेचर रिव्यू का, क्यों लिटरेचर रिव्यू करते हैं हम, उसके अंदर जो है किस तरह क्रिटिकल प्रोस्पेक्टिव अडॉप्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग रीडिंग एंड राइटिंग, और उसके अंदर कंटेंट क्या जो है कवर हो सकता है, और उसको हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हमारा जो कंटेंट है लिटरेचर है वो क्रिटिकली रिव्यू है या नहीं है। ये चीज़ें लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। इस थर्ड वीडियो के अंदर जो चीज़ हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिटिकल रिव्यू। तो स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिटिकल रिव्यू क्या होगा, आमतौर पर ये इसका सीक्वेंस है, इस तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं कि आपको स्टार्ट एट अ मोर जनरलाइज जनरल लेवल। तो आपको पूरी जो है किसी थ्योरी से जो है वो लेके आगे बढ़ना होगा, जो कि तमाम जो यूनिवर्सल थ्योरी जैसी तरह होती हैं तो उसको लेके आगे बढ़ना होगा, यानी आप इंटरनेशनल जो लिटरेचर है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद फिर आप स्पेसिफिकली और इस तरह क्लोज डाउन होते चले जाएंगे, और फिर आप अपने कंट्री पर आ जाएंगे, और फिर जिस इंडस्ट्री के ऊपर आप काम कर रहे हैं उससे रिलेवेंट जो है वो आ जाएंगे। तो आपको बहुत ही जनरलाइज से इंटरनेशनल लिटरेचर को जो है वो लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले जितने भी पूरे यूनिवर्स है उसके अंदर जो लोगों ने लिटरेचर लिखा है इंटरनेशनल, उसके ऊपर उसको आप डिस्कस करें, फिर रीजन वाइज आप डिस्कस करें, फिर उसके बाद कंट्री वाइज डिस्कस करें, इवन फिर यू कैन गो फॉर द स्टेट और प्रोविंस वाइज, और फिर इंडस्ट्री जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं उसको लेकर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसे क्लोज डाउन करेंगे। अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ की आइडियाज एंड थीम्स, आप के जो की आइडियाज हैं, जो आपका थीम है रिसर्च का, उसको ब्रीफली ओवरव्यू करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, और उनको जो है आप अपने लिटरेचर का पार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या क्या है, जनरलाइज लेवल पे लिखेंगे, फिर जो अलग अलग थीम्स हैं, जो आइडियाज हैं आपके हर, यानी आपके डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स के ऊपर इंडिविजुअल वेरिएबल को आप डिस्कस करेंगे। देन उसके अंदर जो चीज़ है वो है समरी, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। तो आप वो कंटेंट को अपलोड करेंगे उसके अंदर, उसको कंपेयर करेंगे एक रिसर्च पेपर को दूसरे रिसर्च पेपर के साथ कि उसमें एसोसिएशन क्या है, लिंक क्या है, और फिर उनको कंट्रास्ट करेंगे इसके अंदर जो है क्या ऐसी चीज़ है जो कि दूसरे रिसर्च पेपर में ऐसा नहीं है, और फिर आप अपने आर्गूमेंट भी उसके अंदर जो है कैसे दे सकते हैं कि आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं कि ये जो लिटरेचर है, ये जो रिसर्च पेपर है, इसके अंदर क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेसेस है। नैरो डाउन टू द हाईलाइट प्रीवियस रिसर्च वर्क, तो आप जो प्रीवियस रिसर्च वर्क है
उसको नैरो डाउन करते हुए हाईलाइट करेंगे मेन चीजों को, और आप नैरो डाउन करते हुए आप रिसर्च गैप तक पहुंचेंगे कि आपका फ्रेश इनसाइट जो है वो क्या हो सकती है जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं. देन वी हैव हाईलाइट दोज एस्पेक्ट वेयर योर ओन रिसर्च विल प्रोवाइड फ्रेश इनसाइट. यस डेफिनेटली हम फ्रेश इनसाइट की बात कर रहे हैं, हम रिसर्च गैप की बात कर रहे हैं, जहां पर आप जिस रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं उन चीजों को हाईलाइट करना है, उनको डिस्कस करना है, उस रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करना है जो कि आपने जो है अपने लिटरेचर के थ्रू आइडेंटिफाई किया है. देन लीड द रीडर इनटू अ सबसीक्वेंट सेक्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट विच एक्सप्लोर्स दीज इशू. तो आप फिर अपने जो आपका जिस जिसके ऊपर आपने काम किया है उसके उन सेक्शंस के ऊपर आपने रीडर को रीड करना है कि आपका जो सेक्शन है, आप जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आपके जो वेरिएबल्स हैं, आपका जो रिसर्च फ्रेमवर्क है उससे रिलेटेड आपको जो है आपने उन्हें लेकर चलना है. तो ये तो एक जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ लिटरेचर रिव्यू था. अब मैं आपको बताता हूँ इसी के अंदर रहते हुए कि हम जो है एक्चुअल में किस तरह जो हेडिंग उसकी होंगी वो हम लिखेंगे. तो सबसे पहले आप जब लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर को लिखने के लिए जाएंगे तो उसमें जो पहली हेडिंग होगी वो होगी थ्योरेटिकल फाउंडेशन. तो आप उसके अंदर थ्योरी जो थ्योरी है विच इज रिलेवेंट टू योर रिसर्च टॉपिक उसको डिस्कस करेंगे और उसकी रिलेवेंसी विद योर टॉपिक उसको डिस्कस करेंगे. वो थ्योरी अपडेट कैसे हुई, उसके अंदर कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई, इन सारी चीजों को आप थ्योरी लेकर आप उस थ्योरी को डिस्कस करेंगे. अगर वो एक थ्योरी आपके रिसर्च के लिए जो है रिलेवेंट है तो आप एक थ्योरी बहुत ही सिग्निफिकेंट मोस्ट रिलेवेंट थ्योरी उसको आप डिस्कस करेंगे. एक से ज्यादा अगर आप समझते हैं कि थ्योरी दो थ्योरी उसके मिलकर आपका टॉपिक हो रहा है तो आप दो थ्योरी को भी डिस्कस कर सकते हैं. उसके बाद जो सेकंड उसके अंदर चीज है फिर वो आप जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उस डिपेंडेंट वेरिएबल को डिस्कस करें. फर्ज करो आपका ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल है तो आप लिखें ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस और फिर उसको लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस क्या होती है, उसकी सिग्निफिकेंट क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके ऊपर कौन कौन सी रिसर्चेस की गई हैं, उसकी डायमेंशंस क्या हैं जिससे आप जो है मेजर कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को. तो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को मेजर करने के क्या तरीकेकार हैं, क्या मेथड है, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं. फिर हम आएंगे अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल जितने आपके हैं फिर उन हर एक वेरिएबल को आप उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे और फिर उसके बारे में बताएंगे कि वेरिएबल क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टॉपिक जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो आप क्या करेंगे कि आप बताएंगे व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, उससे रिलेवेंट जो है वो डिस्कशन करेंगे, उसके अंदर कौन कौन से जो है उसके फंक्शन या सब वेरिएबल्स हैं उनको आप डिस्कस करेंगे. फिर हर एक वेरिएबल को जो आप अपनी रिसर्च में इस्तेमाल कर रहे हैं उनको इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे. फर्ज करो कि आपने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को लिखा और उसको आपने डिस्कस किया कि व्हाट इज रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. फिर आपने उसकी सिग्निफिकेंट बता दी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके ऊपर जो लिटरेचर हो चुका है उसको आपने लिखना है और उससे रिलेवेंट उसको मेजर करने का जो अब तक मेथोडोलॉजीज आ चुकी हैं मार्केट के अंदर उनको इसको मेजर कैसे करेंगे, को थ्रू क्वेश्चनर मेजर करेंगे, स्कैनरी डेटा के बेस पे मेजर करेंगे, ऑब्जर्वेशन के बेस पे मेजर करेंगे. तो ये सारी चीजें जो है वो आपने डिस्कस करनी है कि अब तक कौन कौन से मेथड जो है वो मेजर करने के आ चुके हैं रिक्रूटमेंट सिलेक्शन. तो इसी तरह आपके पास दूसरा वेरिएबल, तीसरा, जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको आप डिस्कस करेंगे. अगर फिर आपका मॉडरेटिंग वेरिएबल भी है तो फिर आप मॉडरेटिंग और मीडिएटिंग वेरिएबल भी है तो मॉडरेटिंग और मीडिएटिंग वेरिएबल को अलग अलग डिस्कस करेंगे. पहले आप मीडिएटिंग को डिस्कस कर लें और उसके बाद आप मॉडरेटिंग को डिस्कस कर लें. मीडिएटिंग को आपने क्यों उसमें इस्तेमाल किया, उसकी क्या रिलेवेंस है, क्या जरूरत है उसको, बगैर मीडिएटिंग के अगर वो रिसर्च मॉडल बन सकता है तो आपको मीडिएटिंग को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. अगर आप मीडिएटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको प्रूफ देना होगा, आपको बताना होगा डिस्कशन के अंदर थ्रू रिसर्च के ये क्यों जरूरी है कि इसके अंदर मीडिएशन ही इस्तेमाल किया जाए, या इस रिसर्च के अंदर मॉडरेशन की क्या जरूरत पड़ गई है, क्यों मॉडरेशन इस्तेमाल किया जा रहा है. तो ये सब कुछ लिखने के बाद देन आप एक रिसर्च मॉडल जो है आप डेवलप करेंगे, जिसको आप रिसर्च फ्रेमवर्क या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है उसको आप डेवलप करेंगे, जिसके अंदर जो है एक चार्ट होगा, उसके अंदर एरोज जा रहे होंगे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ, मीडिएटिंग की तरफ. तो ये एक पूरा एक चार्ट बनेगा जो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हो रही होगी आपके जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो उसके अंदर होगी.
देन जो जब आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डिजाइन कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे, देन आपको जो नेक्स्ट स्टेज है उसके अंदर आपने डिस्कस करना है कि हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, जो आपने हाइपोथेसिस बनाए हैं उसको आपने डेवलप कैसे करना है। तो फॉर एग्जांपल हमने इस टॉपिक के अंदर कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और एचआर जो है दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एचआर के जो सब वेरिएबल है वो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है। तो आप पहले लिखेंगे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एंड इम्प्लाई परफॉर्मेंस, यानी रिक्रूटमेंट एंड इम्प्लाई परफॉर्मेंस आप लिख देंगे। तो रिक्रूटमेंट और इम्प्लाई परफॉर्मेंस के ऊपर जितनी रिसर्चेस अब तक हो चुकी हैं, उन सारी रिसर्चेस के जो रिजल्ट्स हैं वो आप उसके अंदर पहले लिखेंगे कि रिक्रूटमेंट और परफॉर्मेंस का आपस में कोई ताल्लुक है, क्या उनका पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्या उनका नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्या नो रिलेशनशिप है, इसके ऊपर आपने लिटरेचर लिखना है। जब आप लिटरेचर लिख लेंगे तो उसके आखिर में आपने हाइपोथेसिस डेवलप करना है। फर्स्ट H1 दैट इज द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। H1 आप लिखेंगे देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, तो ये आपका पहला हाइपोथेसिस डेवलप हो जाएगा। इसी तरह दूसरा आप ट्रेनिंग का करेंगे, हेडिंग डालेंगे ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। फिर आप ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस का आपस में जो है जो लिटरेचर है इनका लिंक है, एसोसिएशन है, उसके ऊपर लिटरेचर लिखेंगे। अगर लिंक नहीं है तो उसके पॉजिटिव लिंक है, नेगेटिव लिंक है, इसके ऊपर अब तक जितने रिसर्च पेपर हो चुके हैं उन रिसर्च पेपर को लेकर आप उसका लिटरेचर लिखेंगे। तो ये लिटरेचर आपका और कुछ नहीं तो कम से कम 7-8-10 पेपर से लिटरेचर जो है आपको लिखना चाहिए, और फिर उसके बाद नीचे जो है आप हाइपोथेसिस डेवलप कर लें। इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जो भी जितने आपके हाइपोथेसिस बनते हैं वो सारे के सारे आप इस तरह हर हाइपोथेसिस पर लिटरेचर लिखेंगे और उस लिटरेचर के नीचे जो है वो आप उसका हाइपोथेसिस बनाएंगे। लिटरेचर लिखेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, लिटरेचर लिखेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, लिटरेचर लिखेंगे, इस तरह जो है जितने आपके हाइपोथेसिस बनेंगे उनके ऊपर सबसे पहले लिटरेचर लिखा जाएगा और फिर हाइपोथेसिस बनेगा। इस तरह आपका जो चैप्टर नंबर 2 लिटरेचर रिव्यू है ये कंप्लीट हो जाएगा और ये एक अच्छा जो है लिटरेचर रिव्यू, क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू समझा जाएगा अगर आप इसके ऊपर जो है इस तरह करेंगे लिटरेचर जैसा कि मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट हमारे पास है कि लिटरेचर के सोर्सेज क्या अवेलेबल होते हैं। लिटरेचर का प्राइमरी सोर्स अवेलेबल होता है जिसके अंदर आप डायरेक्टली जा सकते हैं, जो लिटरेचर जो पेपर जिसको आप पढ़ रहे हैं उस पेपर की जो रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट्स को आप अगर अपने रिसर्च पेपर के अंदर शामिल कर रहे हैं तो दैट इज द प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स ये होता है कि आप जो है जो लोगों ने लिटरेचर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ा और उसके लिटरेचर रिव्यू में चला गया, अब उसके लिटरेचर रिव्यू में बहुत सारे लोगों ने लिटरेचर लिखा हुआ होगा, अब वो जो लिटरेचर है अगर उसके लिटरेचर में से आप अपना लिटरेचर लिख रहे हैं तो उसको सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। तो फिर आपको जब साइट करना होगा तो उसके लिए आपको उस बंदे का टीम को भी साइट करना होगा जिसका एक्चुअल आर्टिकल है और जिसने लिखा हुआ है अपने लिटरेचर में उसको भी साइट करना होगा, लेकिन साइटेड बाय करके लिखेंगे आप कि जिसने साइट किया हुआ है उसको साइटेड बाय लिखेंगे और जिसके एक्चुअल है उसका नाम और ईयर लिखेंगे। तो इस तरह जो है आप सेकेंडरी सोर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा टर्शरी सोर्स है, ऐसे जो रिसर्च ऐसी जो रिसर्चेज हैं जो कि अभी पब्लिश नहीं हुई हैं कहीं पर, तो ऐसी रिसर्चेज को जैसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास या किसी की रिपोर्ट है उसमें से भी आप जो है अपने जो लिटरेचर है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये कुछ लिटरेचर की सोर्सेज हैं, बुक्स से भी आप लिटरेचर ले सकते हैं, सब इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सोर्स। नाउ वी हैव व्हाट इज प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है? स्मिथ और उनके साथियों ने ये 2008 में इसकी डेफिनेशन दी है। इट इज प्रेजेंटिंग द वर्क एंड आइडिया ऑफ अदर पीपल एंड पासिंग देम ऑफ एज योर ओन, यानी किसी दूसरे का रिसर्च का आइडिया आप ऐसे प्रेजेंट करें कि वो लगे कि वो आपका अपना है, विदाउट एक्नोलेजिंग द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द आइडियाज यूज्ड, और उस सोर्स को जिस बंदे का वो आइडिया है उसको आप एक्नॉलेज ना करें। एक्नॉलेज का मतलब है आप उसको साइड ना करें और ये कहेंगे ये जी आपने लिखा है, तो क्या होगा? ऐसी चीज को प्लेजरिज्म कहते हैं। तो अगर प्लेजरिज्म आपने देखना है तो इसका मतलब क्या है कि आपने किसी दूसरे का जो आइडिया है तो उसको चुराना नहीं है और चुराकर अपने नाम से नहीं लिखना है। इसलिए
आप किसी का भी आइडिया उठा रहे हैं उसको अगर आप अपने अल्फाज में इवन लिख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली उसको साइट करना चाहिए। जब तक आप उसे साइट नहीं करेंगे उस वक्त तक वो प्लेजरिज्म का पार्ट होगा। इसलिए एक तो आपने उसे अपने अल्फाज में लिखना है और दूसरा उसको जो है आपने साइट करना है उस बंदे के नाम पर जिस बंदे ने वो लिटरेचर लिखा हुआ है। उसके अलावा जो है आप अगर करेंगे तो वो प्लेजरिज्म में आएगा। पैराफ्रेज बट मीनिंग शुड नॉट बी चेंज। इनिशियल लेवल पर आमतौर पर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि दूसरे रिसर्च पेपर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फिर उसकी पैराफ्रेजिंग करते हैं। अगर आप वैसे तो ये अच्छा अमल नहीं है कि आप पैराफ्रेजिंग करें, आप इसको नहीं करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल नए हैं, कोई रिसर्च रिपोर्ट बना रहे हैं, तो ऐसी सूरत में अगर आप पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं तो फिर उसको इस तरह पैराफ्रेज करें कि उसके मीनिंग चेंज नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उसको पैराफ्रेज कर रहे हैं और टोटली जो उसके एक्चुअल मीनिंग थे उससे हटकर कोई नई चीज आपने बना दी है, तो देन जो है इट विल बी नॉट गुड फॉर द रिसर्च कि आप उसका ओरिजिनल आइडिया को ही चेंज करके किसी नए चीज की तरफ ले गए। देन वी हैव हाउ कैन वी चेक द प्लेजरिज्म। हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी रिपोर्ट के अंदर प्लेजरिज्म है या नहीं है। दुनिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं अवेलेबल हैं, उसमें सबसे जो रिलायबल सोर्स जो सॉफ्टवेयर है दैट इज द टर्नटन। ये HTC के पास एक्सेस है इसका और तमाम यूनिवर्सिटीज को जो एक्सेस परचेज करती है HTC से वो उनको देती है। तो ये टर्नटन एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप अगर अपनी रिपोर्ट को अपलोड करेंगे तो वो उस रिपोर्ट उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो रिपोर्ट है उसमें कितना परसेंट प्लेजरिज्म है। HTC की तरफ से 19% तक प्लेजरिज्म अलाउ है। आप 19% तक अगर आपका प्लेजरिज्म आ रहा हो तो HTC एक्सेप्ट करती है, लेकिन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज ने मुख्तलिफ दिया हुआ है। कोई 15% कह रही है, कोई 13% कह रही है, कोई 10% कह रही है। तो आपको HTC के साथ साथ यूनिवर्सिटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो पॉलिसी है टर्नटन प्लेजरिज्म से रिलेटेड, उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जो यूनिवर्सिटी के रूल्स हैं उसको देखते हुए डेफिनेटली वो 19% से कम होगा। 90% से ऊपर कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है जो कि प्लेजरिज्म के अंदर अगर आ रहा है तो आप उसके वो जो है उसके अंदर जो है वो जो रेफरेंसेस हैं वो शामिल नहीं होते हैं। जब आप प्लेजरिज्म के लिए रिपोर्ट अपलोड करें तो आप इंट्रोडक्शन के चैप्टर से लेकर आप कंक्लूजन के चैप्टर तक उसमें चीज़ें शामिल करें। अगर चाहें तो अब्स्ट्रैक्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट और इन 5 chapters जो आपके हैं उन सबको शामिल करके आप अपना जो प्लेजरिज्म है उसको चेक कर सकते हैं। उसमें रेफरेंसेज या अपेंडिक्स या बाकी चीज़ें अगर आप ना डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना उसमें प्लेजरिज्म आमतौर पर आ जाता है। तो ये आज की हमारी 3rd video थी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर हम कैसे करते हैं, लिटरेचर के सोर्स कहते होते हैं, प्लेजरिज्म क्या होता है और उसको कैसे हम जो है वो सही कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ये 3rd video थी हमारी लिटरेचर रिव्यू के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो लेक्चर है इसको सुनने के बाद ज़रूर बेनिफिट होगा और आप लिटरेचर एक अच्छा लिटरेचर जो है वो देख सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।